हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉग नरेंद्र रावत में। कैसे हैं आप सब लोग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आज का व्लॉग है उसमें मैं आपके लिए हमारे मॉर्निंग रूटीन वर्क है और गांव में कैसा नाश्ता होता है उससे संबंधित वीडियो है। और आज हमने मेथी के पराठे बनाए थे, तो कैसे बनाए हैं, कैसे बनते हैं गाँव में मेथी के पराठे, तो वो लेके आए हैं। तो दोस्तों प्लीज पूरा वीडियो जरूर वॉच करें, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमने आटा ले लिया है। आटे में हम 3-4 हरी मिर्ची काट लेंगे। ये देखिए, हरी मिर्च काटने के बाद हम इसमें डाल लेंगे अपने स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। और नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद थोड़ा गर्म मसाला डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग। हींग मुझे बहुत अच्छी लगती है पराठों में भी, तो हींग डालता हूँ मैं हमेशा। और ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने सिलपट्टे पे मिर्ची बाटी थी, तो ये सिलपट्टे पे बाटी हुई चटनी है। ये देखिए, हम इसमें ये ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी मसालेदार है, तो ये भी अच्छे आएंगे। और ये देखिए, लहसुन और अदरक का कूट लिया था हमने इसमें कुंडे में, तो वो डाल देंगे। और उसके बाद ये देखिए मेथी हम धो के ले आए हैं अच्छी तरह से, तो ये देखिए मेथी डाल देंगे। ये देखिए मेथी डाल दी हमने। और इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो सब मसाले हैं इनको सब को एक साथ मिक्स कर लेंगे आटे में। ये देखिए इस प्रकार से सूखे आटे में करने पहले, और जब मिक्स हो जाए तो हम इसको आटे को इस प्रकार से गूंथ लेंगे। ये देखिए, और आटे को आप जितना अच्छी तरह गूंथोगे उतने ही पराठे आपके सॉफ्ट और नरम पराठे बनेंगे। तो देखिए आटा गूंथ गया, और अब देखिए हमारे पराठे बनने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए अभी पराठे चूल्हे पे तवा चढ़ा दिया है और पराठे बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे जो पहला पराठा है वो हम बनाएंगे गाय के लिए। तो देखिए अभी गाय के लिए पराठा चढ़ा दिया हमने तवे पर। ये देखिए गाय के लिए बना रहे हैं अभी हम एक, और अब हम बताते हैं आपको हमारे यहाँ पर पराठे कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, ये हमने एक चपाती बना ली है, इस पर हम तेल लगा लेंगे। और इस प्रकार से तिकोने पराठे भी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से ये गाय का हो चुका पराठा। और अब हम हमारे लिए खाने के लिए पराठे बनाएंगे नाश्ते के लिए। तो देखिए पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये देखिए, अच्छी दोस्तों देखिए नितिन के लिए पराठा बन चुका है। सबसे पहले नितिन खाएगा, उसके बाद देखिए अब मैं सबके लिए दूध करूँगा, क्योंकि दूध सुबह कड़ा दिया सबसे पहले हमने। अब मैं थोड़ा दूध ठंडा कर लूँगा, अभी गर्म है दूध, तो अभी मैंने जो भगोनी है हमारी उसमें ले लिया है दूध। ये देखिए, और अब इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगा, उसके बाद दूध के साथ हम सब खाएँगे पराठे। ये देखिए अभी हम बैठे हैं, और नवीन भी आ चुका है अब। ये देखिए,
तो दोस्तों देखिए, ये हो गया हमारा नाश्ता तैयार, मेथी के पराठे और ये दूध है। अब हम करेंगे नाश्ता। और ये देखिए, अब हमने कर दिया है खाना स्टार्ट, नाश्ता करना, क्योंकि सुबह सुबह हमारा पूरा खाना बन जाता है। हाँ, जैसे कहीं जगह होता है कि दिन में और बनाते हैं, तो नहीं, हमारे एक साथ ही बन जाता है। सुबह नाश्ते के साथ ही पूरा खाना बन जाता है पूरे दिन के लिए। तो अभी हम कर लेंगे नाश्ता, उसके बाद मुझे जाना है स्कूल। तो देखिए, हाँ जी दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा खमा गणेश।